हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जो मेरे व्यूअर्स हैं आप सभी को मेरे हाथ जोड़ के नमस्ते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए वीडियो पे चलते हैं, क्विक चलते हैं क्योंकि आज की डेट में टाइम की बहुत वैल्यू है ना। तो वीडियो ऐसा थी कि मैं आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारा लड़का या लड़की यंग एज की क्या करती है, टुकली करते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, टुकली करते हैं या नोट करते हैं बोलते हैं उसको। तो ऐसा है, एक बहुत बड़े स्कूल था, स्कूल में बर्षिता बर्षिता नाम की एक लड़की पढ़ता था, बर्षिता नाम की एक लड़की था और उसका एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड भी था। बॉयफ्रेंड का नाम था मनोजीत। मनोजीत क्या है ना, वो मनोजीत ऐसा है कि कोई भी काम करे, अच्छा करे ये बुरा करे, उसके सामने कोई नहीं। अच्छा करे तो अच्छा है, बुरा काम करे तो और भी अच्छा है। तो बर्षिता का बॉयफ्रेंड थी वो। बर्षिता क्या है ना, एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत टुकली वगैरह करता था, टुकली या नोट जो भी बोलते हैं उसको। तो क्या है, वो तो नोट करता था। पहली बार टेक्स्ट एग्ज़ाम आई हो गया, उसके बाद दोबारा और एक टेस्ट एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी हो गया उसका। जब से या फाइनल फाइनल एग्ज़ाम जब आता है, फाइनल एग्ज़ाम जब आता है तब क्या है ना, वो तो करता था। एक दिन रातों में सोया हुआ था तो 3 बज रहा था, तभी 3 बज रहा था, 3 बज रहा था। तो वो नींद में था, पूरा नींद में था। तो उसके मन में एक सपना आया। सपना का किसका था, दुर्गा देवी का। दुर्गा देवी ने बोला कि तू ऐसा नोट फोटो कर रहा है बर्षिता, तू ये सब नोट वगैरह कर रहा है, ये एग्ज़ाम के तू आगे जाए के क्या करेगा, ये नोट ही करेगा क्या, कोई भी किसी भी काम में जाएगा आगे जाके तू काम करेगा, बढ़िया से बढ़िया बढ़िया से बढ़िया पद में काम करेगा तो यही करेगा क्या। तो गॉड ने बोल दिया कि आगे जाके नौकरी या कोई भी काम करो, जो भी काम करो आगे जाके ये सभी करेगा, टुकली वगैरह ये सब गलत काम चलेगा क्या सभी टाइम। तो ये बल के दुर्गा देवी ने चला गया। हमारे गॉड है, बहुत बड़ा मानते हैं हम उसको। तो क्या है ना, वो तो चला गया। तो इसके बाद वो उसका नींद भी खुल गया, तभी बर्षिता का नींद भी खुल गया। और बर्षिता आँखें खुल के सोच रहा था, 1 मिनट 2 मिनट पूरा सोचा सोचा, बात तो सही कह रहा है। और दूसरा दिन है, दूसरा दिन उन्होंने भी और एक सपना देखा। कुछ दिन बाद गए, कुछ दिन हफ्तों 2 हफ्तों बाद गया, उसके बाद और एक सपना आया। सपना ऐसा था कि वो भी नींद में सो रहा था। अभी फर्स्ट के टाइम पे क्या था, दुर्गा देवी ने सपना देखा था। सेकंड टाइम में ये जो किताब है हमारे, तो किताबों का देवी है हमारे सामने, ये देखिए किताब है, ये किताब, ये जीवन विज्ञान या जो भी बोलते हैं इसमें, ये जो किताबों का जिसको हम गॉड मानते हैं, किताबों का गॉड, उसको सरस्वती देवी माँ सरस्वती देवी बोलते हैं। तो माँ सरस्वती देवी ने उसके बर्षिता का सपना में आया। बर्षिता क्या बोला, तू तू ये सब क्या कर रहा है, तू आगे जाके क्या करेगा, तू नोट वगैरह ये सब कर रहा है, तुझे तू क्या, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा बोल रहा था। तो ऐसा बोला तो बर्षिता क्या किया, बर्षिता भी उठ गया, तभी सपना देखा। बर्षिता को सरस्वती देवी ने बोल दिया था तू ऐसा बार बार करेगा तो अच्छा नहीं होगा। तो बर्षिता क्या किया, बर्षिता भी एकदम जाग के उठ गया, एकदम सरस्वती देवी माता मेरे सपने में आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ ये, है ना। और उसका जो फ्रेंड था वो तो अलग अलग का था, मतलब अलग सा था,
बॉयफ्रेंड माने जो भी काम करता था अच्छा या बुरा, बुरा काम करेगा तो और भी अच्छा बोलेगा, बहुत बढ़िया कर रहा है, ऐसा था फ्रेंड। तो उन्होंने समझा बात तो सही की, सरस्वती देवी ने बात सही की, क्योंकि मैं ये काम मैं करूँगा तो वो कितना दिनों तक चलेगा, ज़्यादा दिन तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मन में थोड़ा सोचा, एक दिन दो दिन तीन दिन, हमारे जो माइंड है ना, माइंड को सोचना बहुत ज़रूरी चीज़ है कोई भी काम करने जाओ। तो बहुत सोचा था, उसको लगा कि बात तो सही कह रहा है हमारे जो सरस्वती जी या दुर्गा देवी जी जो भी बोला था, बात तो सही कह रहा, मैं आके जाके कि ये सभी करूँगा क्या, उसको लगा नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, एकदम शायद पढ़ाई से एकदम फटाक से डिसीजन चेंज किया और पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान देने लग गया पढ़ाई में। तो पढ़ाई तो करते 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 फिर फाइनल एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम की डेट में उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिला। बॉयफ्रेंड उसका जो बॉयफ्रेंड था मनोजीत नाम था, क्योंकि वो किसी का भी मन जीत लेता था, किसी का भी मन जीत लेता था, क्योंकि वो उसका नाम मनोजीत था। जो भी अच्छा काम करे तो अच्छा, बुरा काम करे तो और भी अच्छा। तो मनोजीत से मिला, मनोजीत वर्षिता को बोल रहा था, तुझे तेरे को आजकल थोड़ा अलग दिख रहा है, तेरा जो काम है, तो अभी एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम चला है, तो बोल रहा था कि 2-3 दिन बाद का हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो तेरा कुछ दिखाई नहीं, नहीं अब समझ रहे हो, बोल रहे तेरा बरसी था, तेरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी, तू क्या काम क्या कर रहा है, एग्ज़ाम है 2 दिन बाद, तुझे तो आज बहुत सारे काम करना पड़ेगा, एग्ज़ाम चालू हो गया। बर्षिता ने कहा, मनोजीत बात तो तुरंत सही की, बट काम तो था मैंने तो कर लिया, काम तो था मैंने कर लिया। मनोजीत बोला, क्या बोल रहा है ये, काम तो था कर लिया, परीक्षा एग्ज़ाम है 2 दिन बाद, समझ रहे हो आप। तो क्या हुआ, मनोजीत ने पूरा सुन लिया, वो मनोजीत चल गया। मनोजीत बोला, ये क्या बोल रहा है, इसका दिमाग ख़राब हो गया, अभी बर्षिता का दिमाग ख़राब हो गया। बर्षिता ने पढ़ाई में पूरा पूरा ध्यान लगा दिया था। बर्षिता ने क्या किया, बर्षिता ने एग्ज़ाम आ गया अभी, बहुत बढ़िया से बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम दिया और क्लास का एकदम दूसरा रैंक पे आ गया, एकदम से दूसरा रैंक पे आ गया, एकदम फाइनल एग्ज़ाम था वो, तब की टाइम पे 9-9 में पढ़ता था और 10 में हमारा सेकेंडरी लेवल पे जाया करता था। तो उसका जो ये था 9 में बहुत अच्छा रिजल्ट है, सर 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 या शिक्षक मैम जो भी बोलेंगे उसको बहुत बहुत बधाई दिया, बहुत बढ़िया कर रहा है, तू कहाँ था कहाँ पहुँच गया अभी है, बहुत बढ़िया कर रहा है अभी, तो आगे जाके वो बहुत ही बड़ा काम करेगा। हमारा हमको ये लगता है, हमारा लगना चाहिए, क्योंकि वो चेंज हो गया। तो सफलता एंड में देखा जाए तो, इस स्टोरी के एंड में देखा जाए तो वो एक सफलता हासिल किया था सीरीज में, वो आगे जाके भी करेगा, बहुत सारा सफलता हासिल करेगा। तो हम तो वीडियो सुन लिया, ये जो स्टोरी वीडियो देख लिया और स्टोरी भी सुन लिया, तो स्टोरी में हम क्या सीखा, हमको यह सीखा कि एक नृत्य कथा होता है, नृत्य कथा हम वीडियो में बोलता हूँ, एक नृत्य कथा कोई भी स्टोरी के एंड में एक नृत्य कथा होता है। तो आप लोग भी बताइए कमेंट में इसका नृत्य कथा क्या होगा। हम एक नृत्य कथा दिया है, तो इसका नृत्य कथा ऐसा है कि कोई भी काम करिए गलत या बुरा, जो एकदम टॉप में है ना, हमारे जो भी हम कोई भी आदमी आईसीयू में भर्ती होता था, किसी का भी ऑपरेशन वगैरह होता था, कोई भी हो, हम क्या करते हैं, तब डॉक्टर डॉक्टर को तो बोलते हैं, ज़्यादातर क्या बोलते हैं, भगवान हमारा जो
हमारे जो भाई का है या माँ का है या पिता का या क्या बोलते हैं जो भी हो हमारे वाइफ का, सब ऊपर वाले से हाथ जोड़ते हैं, हम मचा दो मचा दो। तो क्या है पूरा ऊपर एकदम से शिक्षक हो जो कोई भी हो सबसे ऊपर क्या है, ऊपर भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। तो ये वाला था, तो कोई भी काम करो जो नॉलेजेबल पर्सन है जो एकदम हाईएस्ट लेवल पे है। ऐसा हम एग्जांपल के तौर में बोले थे, हमारा जो कवि है राइटर राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर तो एकदम टॉप से है, उसके सामने कोई भी आ जाए वो एकदम से टॉप से है, रविंद्रनाथ टैगोर हम जान आप जानते हैं। तो ऐसा ही है, तो शायद वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और क्या, बाय, सभी को बेस्ट ऑफ लक।